झारखंड के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो भी तो कह रहे हैं कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट हुई है साहिबगंज में पहाड़ काट काट कर। पहाड़ तो नहीं काटना चाहिए, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। नए नए भाजपा ही बने हैं ना, तो दिखा रहे ज्यादा वफादार है, लेकिन भाजपा का लुटिया यही लूट डुबाएंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है इरफान अंसारी, उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाजपा जनता से आग्रह करता हूँ, झारखंड को बचाना है तो भाजपा के जो बाहरी लोग हैं भाजपा के, सबको बाहर कीजिए। डी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। झारखंड विधानसभा का बजट सेशन चालू है, वहीं इसी बीच विपक्ष जो है वो लगातार मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक है। आज खनिज संपदा की लूट को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विपक्ष नजर आ रहे थे। हालांकि इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस के जो विधायक है, जो सत्ता पक्ष के विधायक है, उनका भी आरोप है कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट जो है वो आपकी सरकार में बढ़ी। भाजपा जो है वो अपने सिद्धांतों से भटक गई है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, आपने देखा, लेकिन आए दिन, एक मिनट मैडम, आए दिन नए मुद्दे लेकर आती है और धरना देती है। जो राज्य हित में सबसे बड़ा मुद्दा जो है उस पर तो आप फोकस कीजिए, 1932 खतियान के बारे में बात कीजिए। क्यों नहीं ला रहे हैं इनके विधायक लोग? तो इनके सारे विधायक लोग बाहरी हैं, इनके भाजपा का क्या मतलब बाहरी? तो भाजपा तो और दुर्भाग्य है, हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर ये लोग जीत के चले आता है। तो भाजपा तो कह रही है कि आप मैडम देखिए, देखिए मैडम, भाजपा की नीतियां देखिए, सदन में आप देख रहे होंगे हमेशा हंगामा, सदन को बाधित करना। मैं बताना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, आप चुनाव में जाइएगा, वहाँ से मोदी जी आएंगे, जीत के चले जाएंगे, जिता के ले जाएंगे आपको, जय श्री राम बोलिएगा, जीत के चले आइएगा। लेकिन कष्ट तो हम लोग को होता है मैडम, हम लोग क्या करें, जनता का काम करना होता है, जनता पे जवाबदेही उनकी उनको दिखाना पड़ता है। हम लोग कितने सीरियस, हम लोग कितना काम करते हैं। बीजेपी वाले जय श्री राम बोलकर जीतते हैं सत्ता में आते। बिल्कुल बिल्कुल, और इनका आप देख लीजिए 18 साल क्या किया इन लोगों ने, केवल लूट लिया, तो फिर आप आदिवासियों का जमीन लूट लिया, खदान लूट लिया, एन पेन प्रकरण से एकदम आदिवासियों को भगा दिया, यहाँ से मूलवासियों को भगा दिया और बेघर कर दिया, भीख मांगने पर हमारे लोगों को मजबूर कर दिया ये भाजपा के लोग, और आज बात कर रहे हैं खनिज संपदा की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एमएम के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, वो भी तो कह रहे हैं कि झारखंड में खनिज संपदा की लूट हुई है साहिबगंज में पहाड़ काट काट कर। देखिए मैडम, पहाड़ तो नहीं काटना चाहिए, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। पहाड़ हमारी खूबसूरती है, पर्यावरण, वन पर्यावरण मतलब बहुत बड़ा माध्यम है पहाड़ हमारा, उसको यदि कोई काट रहा है तो उस पर रोकिए सरकार। मैं इसमें मैं सहमत हूँ मैम कि पहाड़ नहीं काटना मतलब चाहिए। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक है इरफान अंसारी, उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? मैडम मैं पहले भी कहा हूँ कि मैं, आप देख सकते हैं कि सरकार का सबसे बचाव कोई करता है इरफान अंसारी करता है, भाजपा पे अटैक कोई करता है इरफान अंसारी करता है। मतलब आप सबसे नहीं, पहले नहीं मेरे, हाँ आज अगर सरकार हमारी है यहाँ तो इरफान अंसारी की बहुत बड़ी योगदान है। मतलब सदन में, सदन में आप लोग तो देखिए, मेरी अहमियत सदन में है लेकिन बाहर नहीं है, क्योंकि मेरे पास विंग नहीं है कि मैं कान में जाके बटर लगाऊँ मक्खन में। मतलब बटरिंग नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ। सदन में आप देख सकते हैं व्हाट इज द मेरिट, जो बाहर रहते हैं जो मंत्री है वो बटरिंग करते हैं जनता पर, क्या जनता? नहीं मैडम, कहने देखिए, अभी आपने कहा उसी पे मैं जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जिन पे भरोसा दिया है उनको काम करने का अवसर दिया है तो अच्छा काम करे, यही मेरी सुझाव होगा। मुझे मंत्री पद का कोई लालच नहीं, मैं एक कांग्रेस कांग्रेस कार्यकर्ता है, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता का वफादार सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी को जहाँ लगेगा इरफान अंसारी का, मैं वहाँ जाऊँगा, मजबूत करूँगा और जरूरत पड़े कांग्रेस पार्टी को तो अपनी खून तक भी मैं दूंगा। तो इरफान अंसारी को अगर मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है तो वो संभालेंगे? देखिए मैडम, मैं आपको मैं बता दूँ, पहले मैं NSY करता था, यूथ कांग्रेस के बाद में चला गया आपका विदेश पढ़ने के लिए, फिर मैं आ गया, पार्टी ने टिकट दिया, विधायक बनाया,
तो ये कम है पार्टिका के लिए, पार्टी जो भी देगी। लेकिन भानु प्रताप शाही का ये आरोप है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस का जो वोट है वो अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैडम, भानु प्रताप शाही को मैं बहुत हल्के ढंग से लेता हूँ, वो नॉन सीरियस MLA हैं। उनका परफॉर्मेंस भी आप देख लीजिएगा, नहीं ये भाजपा को खाने के लिए आए हैं, पहले मधुकोड़ा को खाए और अब ये भाजपा को खाएंगे, तो उनकी बातों को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। और क्या लग रहा है, झारखंड में कांग्रेस मजबूत हो रही है या खत्म हो रही है? देखिए मैडम, कहावत है ना कि नया नया जो पंडित बनता है ना मैडम, ज़्यादा प्याज खाता है, समझे? वही हाल भानु जी का है, नए नए वाजपेयी बने हैं ना, वो दिखा रहे हैं ज़्यादा वफादार है, लेकिन भाजपा का लोटिया यही लोग डुबाएंगे। जिन भाजपा तो यहाँ बढ़ गई है 3 भाग में, आप लोग तो देखते होंगे सदन की कार्यवाही, एक उठता है, 2 बैठे रहता है, आपस अपनी लड़ाई लड़ता है, तुम हल्ला क्यों कर रहे हो, तुम क्यों मेरा आवाज प्रश्न को नहीं आने दे रहे हो, तो भाजपा में लगता है कि आपकी नज़र पूरी तरीके से BJP वालों पर है। बस मैंने भाजपा को कह दिया, ये झारखंड है, ये बाहरी झारखंड नहीं है, झारखंड की जनता को, झारखंड के युवाओं को देखना है कि बाहरियों को भगाओ, ये लोग को, भाजपा को, मतलब बाहरी नहीं, भाजपा को भगाओ, क्योंकि आदिवासी का जमीन छीन लिया, सारा खनिज संपदा, कोयला, लोहा, पानी, सोना सब लूट लिया ये लोग, बड़े दुर्भाग्य। अगर आप बात कर रहे हैं मैडम, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी का अलग आइडियोलॉजी है, हमारा अलग सिद्धांत है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपका ज़मीन यहाँ है, ठीक है, आप मालिक हैं, ठीक है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो है चीज़ है आपका, कोयला है, लोहा है, उसका अधिकार आपको नहीं है, उसका अधिकार किसको है? तो भाजपा वाले को है। हो क्या रहा है इस राज्य में, आदिवासियों के लिए राज्य लिया गया, मूलवासियों के लिए राज्य में लिया गया, लेकिन हमारे बच्चे आप देख लीजिएगा मैडम, भाजपा के घर में जाकर बर्तन धोता है, भाजपा के गंदगी को कपड़ा साफ हमारे बच्चा कर रहा है, तो इसी के लिए राज्य लिए हैं क्या? हम ये नहीं चलने देंगे। भाजपा जनता से आग्रह करता हूँ, झारखंड को बचाना है तो भाजपा के जो बाहरी लोग हैं भाजपा के, सबको बाहर कीजिए। इरफान अंसारी झारखंड के जनता को जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भाजपा को भगाना है और झारखंड को बचाना है तो भाजपा को भगाएं। फिलहाल इस खबर से इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश TV।